सीए और एनआरसी के खिलाफ। हैदराबाद में आज एक प्रोटेस्ट किया गया, ये प्रोटेस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से किया गया जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक सदस्य जो दानिश खान हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रोटेस्ट में करीबन 15 लाख लोग शामिल हुए होंगे, जिसमें हर धर्म के, हर कास्ट के लोग थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने बताया कि इसमें हर धर्म के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और सबने जो है ब्लैक रिबन बांध करके जो है इस तरह का एक प्रोटेस्ट किया CA और NRC के खिलाफ। जबकि इस प्रोटेस्ट से पहले ये थोड़ा सा लोगों में एक डर का माहौल बनाया जा रहा था कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, इस तरह से एक डर का माहौल बनाया गया था। लेकिन लोगों ने हिम्मत करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों के माध्यम से जो है ये एक CA और NRC के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज हैदराबाद में किया गया। दोस्तों, इसके पहले भी करीब 4 प्रोटेस्ट जो है हो चुके हैं हैदराबाद में CAA और NRC के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये एक 5वां बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। CAA और NRC के खिलाफ पीसफुली लोगों ने ब्लैक रिबन बांध कर ये प्रोटेस्ट किया, जो कि कामयाब प्रोटेस्ट रहा। थैंक यू सो मच। انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔